गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में तीन बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में समझा। एक तो लाइन इंटीग्रल था, एक सरफेस इंटीग्रल था और एक वॉल्यूम इंटीग्रल था। उन तीनों के अपने भौतिक महत्व के बारे में भी जानने की कोशिश करी, उनका मीनिंग क्या। जल्दी से मैं रिकलेक्ट करा देता हूँ कि जो लाइन इंटीग्रल था उसका फिजिकल जो मीनिंग था, एक तो वर्क मिलता है उससे, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इसी तरीके से जो अपना सरफेस इंटीग्रल था उससे किसी भी वेक्टर के फ्लक्स के बारे में जानकारी मिलती है। और जो तीसरी चीज थी उससे हमें जो मैटर है सिस्टम मैटर मास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और भी कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये सब चीज़ें पढ़ी मैंने, बताया था कि इन सब का जो उपयोग होगा वो आने वाले जो टॉपिक्स है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर। इसको लिख दिया है एक थोड़ा सा दिखने में मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र का अपसरण, ये इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ क्या है, वो सब अपने को पता पड़ेगा। और सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। एक भी वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर को हमने ए के रूप में लिया, इसके डाइवर्जेंस से मतलब क्या? तो अगर अपन परिभाषा के रूप में अपन काम में लें तो सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो हम कहते हैं इकाई सदिश क्षेत्र में, किसी भी सदिश के सदिश क्षेत्र में इकाई आयतन से निर्गत, इकाई आयतन से निर्गत सदिश के फ्लक्स को उस आयतन का हम डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको छोटा सा बता दिया था कि मैंने ये चित्र के अंदर एक निर्देशन तो दिया हुआ ओ एक्स वाई जेड, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर्थिक निर्देशन है और इसके अंदर अपन छोटे से घनाभ की कल्पना करें। चित्र में बड़ा दिख रहा है और जो ये घनाभ है ई क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मैंने कंट्रीज में नाम लिए जिससे कि हमें याद करने में दिक्कत नहीं। तो ये घनाभ है, ये अनंत सूक्ष्म है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इकाई आयतन से निर्गत जो फ्लक्स है वो जो आयतन होना चाहिए वो अनंत सूक्ष्म होना चाहिए, अनंत सूक्ष्म आयतन से संबद्ध इकाई आयतन में निर्गत चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू एन इनफाइनाइटसिमल वॉल्यूम इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो यदि मेरे पास वेक्टर ए है तो उसका फ्लक्स, अभी हमने पिछली परिभाषा में देखा कि फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं ए डॉट डीएस, तो मेरे पास ये हो जाएगा ए डॉट, ये फ्लक्स आ गया। कौन सा सरफेस है, ये जो अपने को मैंने छोटा सा घनाभ लिया है ये अनंत सूक्ष्म है ना, मगर इसकी सतह ज्यादा हो सकती है। ध्यान रखना है कि एक अनंत सूक्ष्म आयतन की पृष्ठ सतह भी बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर अपन छोटे से एग्जांपल के लिए अपनी बॉडी की स्किन है, ठीक है ना, स्किन का आयतन क्षेत्रफल पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा है, मगर अगर केवल स्किन को उतार करके एक आयतन बना दिया जाए तो वो बहुत छोटा हो सकता है। ये ध्यान रखना है, एक कागज है, ठीक है ना, कोई भी अपन कागज ले, ठीक है ना, मान लो मैंने एक कागज लिया, ठीक है ना, अगर मैं इसका आयतन देखूंगा तो आयतन बहुत ही कम है, मगर इसका क्षेत्रफल क्या है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल मिलकर इसको बहुत बड़ा बना देंगे। तो ध्यान रखना है कि किसी भी अनंत सूक्ष्म आयतन का क्षेत्रफल बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। और मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपको काम में लूँ तो जो हम घरों में वर्क काम में लेते हैं, चाहे वो चांदी का हो चाहे वो सोने का हो, उसका पृष्ठ सतह बहुत ज़्यादा होता है, मगर अगर अपन उसको मिला करके एक छोटी सी इकट्ठा कर दें, एक बिल्कुल बारीक सी दिल से भी छोटी उसकी गोली बन जाएगी, वो आयतन, तो वो अनंत सूक्ष्म आयतन है मगर उसका पृष्ठ सतह बहुत ज़्यादा। तो ये आपको पता पड़ना चाहिए इसका मीनिंग क्या। तो यहाँ पे एस जो है वो डेल्टा एस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, वो कितना है, वो एस है, मगर जो आयतन है वो डेल्टा वी है, डेल्टा वी की लिमिट क्या है, लिमिट डेल्टा वी टेन टू जीरो, मतलब ये अनंत सूक्ष्म है। तो ये जान, तो ये हमारे पास इसका परिभाषा है, इकाई आयतन से निर्गत नेट फ्लक्स। यहां ध्यान रखना है कि मैं कह रहा हूं नेट निर्गत, नेट का मतलब ये होता है कि आने वाला तो निगेटिव रहेगा और जाने वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब अपना नेट कंट्रीब्यूशन इस सतह का कितना है, इस वॉल्यूम का कितना है, वो देखना है हमारे, ठीक है। अब वो आने वाला माइनस क्यों होता है, जाने वाला प्लस क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट है वो आपको बताऊंगा, अभी डेरिवेशन आने को वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
बहुत अपना क्लियर हो जाएगा, उसमें साइन अपने को लगाने की जरूरत नहीं, अपना माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जानना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा एक काम करते हैं, जो ये अपने पास पहले जो पाइप है इसके सेंटर में बिल्कुल मध्य में मैं मान रहा हूँ कोई बिंदु ले लेता हूँ, और उस बिंदु पर सतह क्षेत्र का जो मान है कितना, ठीक है ना। इसके ए ए इसका मान, इसके तीन घटक होंगे एक्स वाई और जेड, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ए बराबर कितना देना, ये का एक्स दिशा में घटक है ए, आई ले लेता हूँ वाई दिशा में कितना एक बार ये कर देता हूँ प्लस ए कितना देता हूँ, ये ए की क्या आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है और ये अपने को ध्यान रखना, और अब हम पहले ये अलग निकालेंगे और ये निकाल कर, ये निकालने के बाद में हम इसे भाग दे देंगे, और इसके वैल्यू कितने, अगर मैं इस धनात्मक एक्स दिशा में एक्सपेंड इसके जो प्रसार है उसको डेल्टा एक्स लूँ, वाई दिशा में डेल्टा वाई लूँ, और जेड दिशा में कितना लूँ डेल्टा जेड लूँ, आयतन की वैल्यू लूँ डेल्टा ये वैल्यू, तो मैं जहाँ कहीं भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड आएगा डेल्टा भी रखूँगा, और यहाँ पे इसको निकाल करके इसका डेल्टा भी से भाग दे करके और देखेंगे क्या है। अगर ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे कि ये तो हमारे मैथमेटिक्स में होती है, उनके लिए ये आई कैसे है ये हमें जानना जरूरी है। मैंने बताया कि हमारे फिजिक्स में आपको जो इसको शक्ल दी जाती है आधार दिया जाता है वो इसी तरीके से दिए, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस जो क्षेत्र है उसका सतह जो ये वाली सतह है कौन सी, आर एस टी यू आर, इस सतह से पर इसका मान जाता है, तो हम मानते हैं कि जो ये दिशा कौन सी है, एक्स दिशा है, ये एक सतह के लंबवत रहेगी, ठीक है ना। अपना ये ए यहाँ पे मैंने बता रखा कि ये डायरेक्शन ये, और इस सतह की डायरेक्शन भी क्या है, इसी सतह के तल के लंबवत बाहर, और ए की दिशा भी क्या है बाहर की, इन दोनों की दिशा क्या है ए की दिशा, ए की दिशा होने से इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, कॉस जीरो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी ए, तो ये मेरे को अधिकतम वैल्यू है। अगर मैं ए एक्स में दूरी के साथ परिवर्तन की दर डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लूंगा, तो ये तो क्या आ गया परिवर्तन की दर दूरी के साथ, तो मेरे को अगर इसको डेल्टा ए के रूप में निकालना है तो मैं क्या करूँ दूरी से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मान है कितना ए एक्स, तो मैंने यहाँ पे कर लिया ए एक्स प्लस, इसमें आगे कितना जुड़ेगा ये वैल्यू जुड़ेगी डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन टू, क्योंकि मैंने इसको सेंटर पॉइंट से लिया है तो ये पूरी डेल्टा एक्स है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन। देखिए इस चीज को रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परिवर्तन की दर, और ये क्या होती है समय अंतराल, एक्चुअल में टी नहीं है डेल्टा टी, ध्यान रखना है कि ये जो ए होता है वो होता है डी यू अपॉन डी टी, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, जब समय के साथ परिवर्तन की दर है और आपको ये वेग निकालना है तो आपको क्योंकि इसको हटाना है आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा समय के साथ करना पड़ेगा, ये आप न्यूटन के नियमों में करते आए 11th के अंदर ही करा हुआ और उससे पहले भी करा हुआ। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है दूरी के साथ परिवर्तन की दर है तो इससे गुणा किससे करना पड़ेगा दूरी से करना पड़ेगा, जिससे कि ये दूरी और दूरी कट जाए, यहाँ पे मेरे को ए एक्स की विमान मिल जाए और ए एक्स की विमान हो जाए, क्योंकि समान चीजें जुड़ती हैं विपरीत अलग अलग भिन्न भिन्न इकाई यूनिट की या इकाइयों की भौतिक राशि आपस में जोड़ नहीं होता, गुणनफल तो हो सकता है मगर योग नहीं होता, योग किसको होता है समान भौतिक राशियों के बीच में जोड़ या अपने कह सकते हैं व्यवकलन घटा है ना सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही क्वांटिटी के, तो ये ध्यान रखना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वाली वैल्यू। अब मेरे को इस सतह से निकल चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू निकालना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है फाइव, क्योंकि फ्लक्स है इसको मैं देता हूँ फाइव कह देता हूँ उसके आप, तो लेट फाई एक्स एक्स की वैल्यू का निकालनी है डेल्टा फाई का डेल्टा फाई बाद में लेंगे पहले फाई एक्स की वैल्यू है, और ये कहाँ निकालना है आर एस टी ये किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा ए एक्स प्लस
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स अपॉन, ये तो हो गया सदिश ए डॉट डीएस करना ना, इसकी दिशा क्या है बाहर की ओर, इनटू क्या करना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है ये कितना है डेल्टा जेड, ये कितना डेल्टा वाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डेल्टा वाई इनटू डेल्टा एक्स, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है कॉस ऑफ जी, ये इसके बीच में एंगल इसके आते कॉस जीरो पहले भी तुम देख एक हो जाएगी, तो अपने पास वैल्यू बन जाएगी ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वाई, ये मेरे पास हो गया निर्गत फ्लक्स इस सतह से जो बाहर निकल रहा। अब हम देख रहे हैं कि जो इस सतह है पी क्यू वी डब्ल्यू पी, ये सतह पे विद्युत जो भी सदिश है वो आ भी रहा है, इसके आने की दिशा क्या है ये वाली दिशा है, और सदिश की वो क्षेत्र की दिशा क्या है बाहर की, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो जो यहां पे एंगल कॉस जीरो था वो अगला वाला जो प्रकार करेंगे फाइ एक्स से निकाल रहा हूं, मगर मैं कहां निकाल रहा हूं पी क्यू वी डब्ल्यू इस पे निकाल, तो ये क्या हो जाएगी ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स इनटू वही आएगा डेल्टा वाई इनटू डेल्टा जेड, मगर साथ में आएगा कॉस ऑफ 180 कॉस 180 का मान कितना रहता है माइनस हो, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई माइनस ऑफ ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस इक्वेशन को मैं तीन नंबर कहता हूं, इस इक्वेशन को चार नंबर, उससे पहले मैं छोटी सी यह इक्वेशन इक्वेशन दो ठीक है दो नंबर आ गया तीन नंबर मैंने इसको लगा दिया, तो मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स सतह पर आपतित होता है वो माइनस आता है, क्यों आता है इस तरह अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना माइनस है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा फाई एक्स, मैं क्या करूँ फाई एक्स आर एस टी यू प्लस फाई एक्स, ये कौन सा है पी क्यू वी डब्ल्यू, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ तो देखते हैं अपन के नेट रिजल्ट आपके पास क्या आता है, वो बड़ा अपने पास मैं इस लाइन को एक बार बता देता हूँ यहाँ पे इसको, तो मेरे को इस लाइन को इस लाइन को जोड़ना, जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास ए एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, यहाँ से आएगा माइनस ए एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा ये बचेगा ये प्लस का है और ये क्या है ये यहाँ पे प्लस नहीं है सॉरी ये माइनस है, डायरेक्शन माइनस की थी क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये दूरी मेरे को इस दिशा में चलना है तो यहाँ पे दिशा माइनस है, यहाँ पे भी क्या है ये माइनस है, तो ये दिशा माइनस होने के कारण ये यहाँ पर ठीक है मैंने बोर्ड पे इतने में गलती कर दी ठीक है, तो ये माइनस है ये भी क्या होगी माइनस है, ये कर गई ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ते थे अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से दो से इतना हो ये दो तो जैसे ही मैं दोनों को जोड़ता हूँ मेरे पास आ जाएगा बराबर कितना आ गया डेल्टा डेल्टा वाई नेट करने पे क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स या में डेल्टा एक्स ये मेरे पास इक्वेशन में क्या होगा तो एक्स दिशा के अंदर नेट जो निर्गत फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई ये, इसी तरीके से हम वाई और जेड दिशा उनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे एक्स आया जहां जहां एक्स है वहां पे हम वाई और जेड लिख देंगे, वाई और जेड लेना डेल्टा वाई वाई डेल्टा वाई जेड तो नेट निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा डेल्टा फाई एक्स
डेल्टा वाई वाई प्लस डेल्टा वाई जेड, ये नेट फ्लक्स होगा जो इस घनाभ से बाहर निकला नेट फ्लक्स, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं तीनों को जोड़ूंगा, पांच छह सात जोड़ेंगे तो डेल्टा भी कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा प्लस डेल्टा बी वाई अपॉन डेल्टा ओ प्लस डेल्टा ए जेड अपॉन ये नेट डेल्टा फ्लक्स है जिसको डेल्टा फाई और इसकी वैल्यू ए डॉट भाई कितने में करते हैं ये बन, तो ये हमें इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन 8 को एक एक कर देते हैं। जैसे इक्वेशन 8 को इक्वेशन में एक पर रखते हैं तो मेरे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ए कितना हो जाएगा, इस डेल्टा भी और डेल्टा भी कट जाएगी तो ये पास आ जाएगा डेल्टा ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा ये मेरे पास नेट वैल्यू आ गई। डाइवर्जेंस की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 9 नेट, ये बहुत बहुत काम की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट की डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। आप मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं कि भाई हम जानते हैं मगर हम यहाँ पे इसको कैसे आया है ये हम देख करके आपको बताएंगे। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके डाइवर्जेंस ऑफ ए देखते हैं अपने वही की वही चीज आती है आई डॉट आई वन तो मेरे को मिल जाएगा डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स पहली टर्म मिल जाएगी, दूसरी जे डॉट जे वन होता है a dot k1 होता है तो मेरे को तीन टर्म मिल जाएंगे, i dot j i dot k ये जीरो होते हैं इसलिए वैनिश होते हैं। तो मैं जो ये इक्वेशन है इसको देख सकता हूं, हमने अपना पिछला टॉपिक ग्रेडिएंट का पढ़ा था उसमें ये i डेल्टा अपॉन k डेल्टा अपॉन ये लो हम जानते हैं ऑलरेडी, और ये जो परिभाषा है ये xi dy डायवर्जेंस ऑफ ए के बराबर हुआ डेल डॉट ए के बराबर हुआ, इसका मतलब डेल संकारक का अदिश गुणनफल होगा किसके साथ में सदिश के साथ में, ये किसके बराबर होता है डायवर्जेंस। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये होता है मगर ये वास्तव में होता नहीं है, ये ऐसे बन याद करना बहुत बहुत इसका उपयोग है बहुत काम की चीज़ है। हम इसका जो भौतिक महत्व है वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। Thank you very much.